नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वोल्सवैगन एमियो, वोल्सवैगन वेंटो और वोल्सवैगन जेटा के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपसे शुरू करने वाला हूँ इस वीडियो में किस तरीके से आप इसके डीएससी फ्लाईव्हील को रिप्लेस कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं उस फ्लाईव्हील को रिप्लेस करने के लिए। वो फ्लाईव्हील जब खराब होता है किस तरीके से खराब होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं कि फ्लाईव्हील खराब हो चुका है। तो उस फ्लाईव्हील की आवाज को पहचानने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी डीएससी 6 ट्रांसमिशन जो आता है यानी वोल्सवैगन पसार के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने डुअल मास फ्लाईव्हील उसका रिप्लेस किया हुआ है। सेम डुअल मास फ्लाईव्हील भी डीएसजी 7 में भी आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आता है। तो बेसिकली एक तरीके से ये जो फ्लाईव्हील होते हैं ये गियर के अंदर जब हम गियर शिफ्ट करते हैं उस टाइम पे जर्क लगता है, गियर में झटका लगता है, गाड़ी में झटका लगता है, उस जर्क को कम करने के लिए फ्लाईव्हील काम करता है। और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूथनेस का भी बहुत ही अच्छा रोल रहता है इस फ्लाईव्हील का। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्लाईव्हील के क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से वो खराब होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कार के अंदर नॉकिंग की, यानी कि सबसे पहले जो उसमें प्रॉब्लम आती है फ्लाईव्हील में, ज्यादातर डुअल मास सिंगल मास जो फ्लाईव्हील होते हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कार में नॉकिंग की। यानी गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जैसे आप अगर मैनुअल ट्रांसमिशन है जब आप क्लच को हाफ प्रेस करते हैं या हाफ छोड़ देते हैं उसके बाद कार में नॉकिंग की साउंड स्टार्ट हो जाती है। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं उसमें जैसे ही आपने कार को डी पे लिया तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे आप उसको न्यूट्रल कंडीशन कर देते हैं तो आवाज़ कुछ ज़्यादा हो जाती है। और कुछ कार में यानी कि लाइक अगर ऑडी A4 है उस कार में और A3 में कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जब आप कार को डी या आर पे लेते हैं तो आवाज़ आती है लेकिन एन और पार्किंग पे आवाज़ नहीं आती है। तो सेकेंड जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कार के अंदर लॉन्ग स्टार्टिंग की, यानी कि जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं वो लॉन्ग क्रैंकिंग में कार स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो होती है बट लॉन्ग क्रैंकिंग में स्टार्ट होती है। तो हमें किसी भी तरीके का मॉन फैसिलिटेशन लैंप नहीं देखने को मिलता है, ना ही डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमें कोई फॉल्ट देखने को मिलता है। तो ये भी जो प्रॉब्लम होती है ये भी डुअल मास फ्लाईव्हील की होती है, क्योंकि जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर इंजन को क्रैंकिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से इंजन सही टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाता और हमें लगता है कि कार में किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से कार लॉन्ग स्टार्ट होती है। लेकिन एक फ्लाईव्हील का भी बहुत बड़ा मेन रोल रहता है जिसमें कि डुअल मास फ्लाईव्हील सिंगल मास फ्लाईव्हील बहुत जल्दी खराब होते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये आवाज़ करता है और कैसे कैसे हम इस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या पार्ट खोलना होता है, बाकी की हम आपको उस पार्ट को रिप्लेस करने के बाद भी फाइनल हम आपको इंजन की साउंड भी सुनाएंगे कि कैसा है इंजन का साउंड और किस तरीके से हमने इस काम को पूरा कंप्लीटली किया। और लास्ट में अगर आपको इस पार्ट का प्राइस चाहिए तो हर कार का प्राइस है वो अलग अलग रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पार्ट के प्राइस मेंशन कर दूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है वोल्सवैगन वेंटो 1.5 लीटर डीजल इंजन और इस कार में जो ट्रांसमिशन है वो है ऑटोमेटिक डीएसजी ट्रांसमिशन 7 स्पीड। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस ट्रांसमिशन की क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि किस काम के लिए ये कार हमारे पास आई हुई है। तो सबसे पहले इस कार को अनलॉक करते हैं और अनलॉक करने के बाद मैं आपको बोनट खोल के एक बार चेक करा देता हूँ। इस कार का जो इंजन है वो है डीजल इंजन, तो अभी हमने इस कार का जो बोनट था वो खोल दिया है और अभी मैं आपको एक बार कार को स्टार्ट करके चेक कराने वाला हूँ किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है इस कार के इंजन में। तो यहाँ पर अभी हमने जो गियर लीवर है उसको पार्किंग बोर्ड पे किया हुआ है। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट किया आप इंजन से एक अलग सी आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा एक नॉकिंग साउंड आ रही है इंजन से। तो ये किस तरीके से आवाज़ कर रहा है इस कार का इंजन आप सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है इंजन से और यही मेन प्रॉब्लम के लिए कार हमारे पास आई हुई है। ठीक है, काफ़ी आवाज़ आ रही है और मेनली जब एयर बॉक्स की साइड से स्मोक भी आ रहा है। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है इस कार में और यहाँ ट्रांसमिशन साइड से इसमें कुछ अलग सा एक स्मोक भी आ रहा है और ये प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम खोलने वाले हैं इस कार का ट्रांसमिशन और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इस कार के ट्रांसमिशन में और या फिर इसके फ्लाईव्हील साइड से। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है वो आती है इस कार के फ्लाईव्हील में जो कि इस साउंड के लिए। तो जब भी वो यानी कि इसमें एक जो फ्लाईव्हील होता है वो एक तरीके से डुअल मास फ्लाईव्हील होता है
और उसमें जो आगे जो माश होते हैं दोनों साइड में, वो जब भी स्टक हो जाते हैं उसकी जो स्प्रिंग होती है वो टूट जाती है, यानी कि एक तरीके से स्प्रिंग जब हार्ड हो जाती है उस कंडीशन में ये डुअल मास फ्लाईव्हील इसका आवाज़ करता है। तो उस सिचुएशन में हमें खोलना होता है इस कार का ट्रांसमिशन। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये वही ट्रांसमिशन है जो कि अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था इसका ट्रांसमिशन डुअल क्लच रिप्लेस के ऊपर, सेम ट्रांसमिशन है लेकिन इसका जो फ्लाईव्हील होता है और वो क्लच होता है वो उसमें थोड़े दो टाइप के क्लच और फ्लाईव्हील आते हैं, यानी कि एक टाइप वन होता है एक टाइप टू होता है। तो वो देखना होगा फर्स्ट जनरेशन वाला क्लच है या सेकंड जनरेशन वाला है, ये इसमें हम देख करके ही इसमें फ्लाईव्हील को रिप्लेस करेंगे, और या फिर अगर क्लच के अंदर प्रॉब्लम है तो वो क्लच भी हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। तो अभी खोलते हैं इस कार का ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन खोलने के लिए बेसिक सी कुछ फिटिंग होती है जैसे कि बैटरी, एयर फिल्टर दोनों के आगे के ड्राइव एक्सल, क्योंकि ये जो कार है ये है फ्रंट एक्सल ड्राइव, यानी कि इसका लेफ्ट साइड का एक्सल खोलना होगा, राइट साइड का एक्सल खोलना होगा, पीछे का सी माउंटिंग होता है वो खोलना होता है, बैटरी के नीचे गियर माउंट होता है वो खोलना होता है, कुछ वायरिंग हार्नेस पाइप वगैरह खोलने होते हैं और कुछ बेसिक फिटिंग खोलनी होती है। तो अभी खोलने वाले हैं इसकी कम्प्लीटली पूरी फिटिंग। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। कार का जो फ्लाईव्हील था वो हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पीछे लॉकडाउन की वजह से अभी हमने इस कार को पूरा पैक किया हुआ था, यानी कि इसके टायर वगैरह सब कुछ हमने लगा दी थी, फेंडर लाइनिंग वगैरह सब कुछ लगा दी थी, क्योंकि कार जो थी वो जैक के ऊपर रुकी हुई थी। तो अभी हमने क्या किया है, इसका जो फ्लाईव्हील है यानी कि फ्लाईव्हील में जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके की इसके अंदर ये प्ले आ चुकी है। ओके ये देखिए इसकी वजह से जो कार की स्टार्टिंग थी वो प्रॉब्लम कर रही थी, और साथ ही साथ इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी आवाज़ की। और ये देखिए इसका न्यू फ्लाईव्हील है तो इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ये आपको एक बार हम बारीकी से चेक करा देते हैं। तो ये सेम पार्ट नंबर है, जो पार्ट नंबर ये लोक कंपनी का यह है, यह लोक कंपनी का यह है और सेम दोनों फ्लाईव्हील है। तो इसमें आप देख सकते हैं जरा भी कोई प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्ले है। तो ये इस तरीके की इसमें प्ले आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कार के अंदर। तो दोनों सेम पार्ट नंबर है और सेम फ्लाईव्हील है। ओके तो करेंगे इस फ्लाईव्हील को रिप्लेस। तो इस फ्लाईव्हील को हम फिटिंग करेंगे इस कार के अंदर, जो कि इस जगह पर लोकेशन है इसकी, और ये फ्लाईव्हील के कुछ बोल्ट वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके तो करते हैं इस फ्लाईव्हील को फिटिंग। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने अभी एयर से क्लीन करके इस फ्लाईव्हील को इस जगह क्रैंक शाफ्ट पे फिटिंग कर दिया है। तो टोटल आपको यहाँ पर 6 बोल्ट लगाने होते हैं, यानी कि 6 बोल्ट आपको यहाँ पर फिटिंग करने होते हैं। और आप यहाँ पर इसका ये सेंटर पिन होल है ये इस जगह पर देख सकते हैं, ये साइड आपको यहाँ पर मैच करके फिटिंग करना होता है। बाकी का भी हम इन सभी बोल्टों को अच्छे से मिला करके टाइट करके, और फिर नेक्स्ट आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपको जो इसका ट्रांसमिशन है वो कैसे आपको फिटिंग करना होता है। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार का जो फ्लाईव्हील था इसको फिटिंग कर दिया है अच्छे तरीके से, और ये साइड इसका कुछ पार्ट नंबर वगैरह, ये इसके कुछ बोल्ट्स वगैरह, यहाँ पर सेंटर पिन पे आपको ये ट्रांसमिशन का जो फ्लाईव्हील है इसको लेकर के फिक्स करना होता है, इस साइड आपको ये बोल्ट की सारी लोकेशन। ओके और अभी हम फिटिंग करेंगे इस साइड इसका ये ड्राइव एक्सल पीछे बैक साइड से। ओके और इस साइड ये इसका ड्राइव एक्सल, ये था इसका 7-speed DSG ट्रांसमिशन जो कि है फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और इस साइड ये है इसकी डुअल क्लच, तो आप देख सकते हैं ये इसकी डुअल क्लच यहाँ पर फिटिंग है, एकदम परफेक्टली काम कर रही है। ओके तो लगाते हैं इस ट्रांसमिशन को। तो ये वाले जो ग्रुप हैं ये आपको फिटिंग करने होते हैं इस जगह पर। ओके इंजन खींचो बस आ गया। हाँ सही है, चलो अंदर भी जाओ, अंदर करवा भी बढ़िया, लात लगा भी लात लगा, रुक जा पकड़ ले बस आ गया। ये वोल्ट यहीं का, ये तो लाभ बड़ा वाला हुआ, ये 16 के ऊपर के 16 के नीचे के होंगे, 18 के हैं ऊपर के, 18 के होंगे ऊपर के, मेरे हाथ में बस 16 के दे दो, ये तो सेलअप का। फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने कार को पूरा कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कार के जो फ्रंट व्हील थे, रियर व्हील थे, सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये कार थी वोल्सवैगन एमियो ऑटोमेटिक, और अभी मैं एक बार आपको कार का बोनट खोल के फिर से चेक करा देता हूँ, जो हमने इसकी बेसिक फिटिंग खोली हुई थी इस जगह से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हैं, इस जगह पर आप इस लॉक को प्रेस करके इसका जो बोनट है उसको ओपन करके
इस रॉड को लगा करके अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसकी फिटिंग थी वो खोली हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने इस जगह पर इसकी जितने भी पाइप वगैरह थे, लॉक वगैरह थे, सभी कुछ ए टू जेड ओरिजिनली तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। बिल्कुल भी पता ना चले किस तरीके से कहाँ से क्या ट्रांसमिशन वगैरह हमने इसका खोला था। तो सब कुछ ए टू जेड एकदम परफेक्टली ओरिजिनल तरीके से ही, जिस टाइप का जो बोल्ट जहाँ पर फिटिंग होता है उसी टाइप से हमने फिटिंग कर दिया। बैटरी बोल्ट, बैटरी क्लिप वगैरह कलर कोड के साथ सब कुछ ओरिजिनली फिटिंग है, एक एक वायरिंग लॉक के साथ। ओके, तो अभी लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव, तो चलते हैं इस कार को लेके टेस्ट ड्राइव पर। तो कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट। फाइनली मैं आ चुका हूँ कार को रोड पर लेके एक बार टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। ऑलरेडी मैंने इस कार को अप्रॉक्स 20 से 25 किलोमीटर समथिंग रन किया हुआ है और कार में अब कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई साउंड वगैरह। तो एक बार मैं आपको कार को स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। कार स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ। तो कार में कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और कार का एक्सेलरेशन करके एक बार आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं इंजन की जो साउंड है वो भी एकदम नॉर्मल है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेते हैं इस कार की एक छोटी चर्चा। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे रिवर्स पर, तो रिवर्स के लिए रिवर्स करके देखते हैं एक बार। तो रिवर्स बिल्कुल ओके है। डी पे चेक करते हैं ड्राइव मोड। तो बेसिकली इस कार में ट्रांसमिशन है वो है DSG 7 स्पीड गियर, यानी कि बेसिकली एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ओके, तो अभी हम करने वाले इस ट्रांसमिशन को चेक, और डी पे अभी हमने डाला हुआ है। और डी शिफ्टिंग पे सबसे पहले फर्स्ट गियर चेक करेंगे भाई, जी एक्सेलरेशन। थर्ड गियर यहाँ पर आ चुका है, पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी का, रॉकेट की तरह उड़ रही है गाड़ी, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। यानी कि एक तरीके से कहूँ तो इस कार का मुझे टॉर्क और एक्सेलरेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आता है जिन कार में DSG की ट्रांसमिशन होता है। यानी कि उन कारों के लिए अगर मैं कहूँ तो उनमें ड्राइव का एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही मज़ा होता है। DSG चलाने का एक जो मज़ा है वो किसी और ट्रांसमिशन में नहीं आता, क्योंकि DSG चलाने में जो मज़ा आता है एकदम परफेक्टली रन कर रही है कार बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं अभी भी कार ड्राइव मोड पे है, कार की जो स्पीड है वो सामने शो कर रही है। व्हीकल को मैं अभी वर्कशॉप की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी मैंने इसकी लगभग 25 किलोमीटर मैंने कार ड्राइव करके चेक भी कर ली है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं नहीं भी बना सकता था क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट भी मैंने इस वीडियो में स्पेशली इसीलिए लिए क्योंकि कुछ कारों के वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग वॉच नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो भी बनाता हूँ और जो प्रॉब्लम होती है मेन चीज़ उसी का वीडियो लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा खोलने कसने का दिखाने से अच्छा है कि जो प्रॉब्लम थी वो हमने कैसे ठीक की वो ज़्यादा दिखाना बेटर है। ओके, तो मैं यही चीज़ ज़्यादा आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये प्रॉब्लम हमने कैसे दूर की। तो ये कार थी वॉल्सवैगन MEO और इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में शो की हुई थी, और जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हमने कैसे की है वो सारी चीज़ हमने इस वीडियो में दिखाई हुई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी। तो अभी हम आ चुके हैं वर्कशॉप के अंदर और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आने वाला है Audi Q3 का।